नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाए जाने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एग्जामिनेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एग्जामिनेशन पोर्टल का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। नोटिफिकेशन के अंतर्गत हमें जर्नल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्ज़ाम फॉर्म 2022, PG इंस्ट्रक्शंस एग्ज़ाम 2022, नोटिफिकेशन नंबर 43 डेटेड 1/4/2022 रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म 2022। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा आवेदन पत्र नियमित पूर्व छात्र एवं स्वयं पाठी अभ्यर्थियों हेतु। वेबसाइट, इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका के अनुसार भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से घर पर रहकर ही किया जा सकता है। आवेदन पत्र ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी भरे जाने की भी व्यवस्था है। कक्षा बिना विलम्ब शुल्क 100 रुपये विलम्ब शुल्क सहित, परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क सहित। नियमित पूर्व छात्र एवं स्वयं पाठी छात्र, स्नातक परीक्षाएं पास ऑनर्स, भाग तृतीय यथा BA, BCOM, BSc, BSc गृह विज्ञान, BSc IT नेचुरोपैथी, बायोटेक, BCA, BA एडिशनल। स्नातकोत्तर परीक्षाएं पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध, MA, MSc वार्षिक परीक्षा स्कीम, MCOM एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। 4 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में 14 अप्रैल 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क सहित 19 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में संबंधित महाविद्यालय या केंद्र या विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2022, 20 अप्रैल 2022, 27 अप्रैल 2022 तक जमा कराई जा सकती है। सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र की विद्यालय प्रति में सभी संलग्नों की जांच पश्चात महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि है।
22/4/2022 एवं 28/4/2022। इस तरह से महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में हमने जानकारी ली। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में। परीक्षा सत्र 2021-2022 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी पाठ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय में स्वयं पाठी अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन छात्रों ने वर्ष 2021 की पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम हेतु आवेदन किया है तथा जिनके पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वे मुख्य परीक्षा 2022 हेतु अभी आवेदन नहीं करें। आवेदन करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत वर्ष 2022 की परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थी मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा मूल अंक तालिका भी संलग्न करें। ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व एवं सहपाठी जो परीक्षा 2022 में स्नातक परीक्षा के प्रथम भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2022 के प्रथम भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व एवं सहपाठी जो परीक्षा 2022 में स्नातक परीक्षा के द्वितीय भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2022 के द्वितीय भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ पर्यावरण विज्ञान के अनिवार्य विषय की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। जो छात्र परीक्षा वर्ष 2022 में स्नातक पाठ द्वितीय या तृतीय में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको जो अनिवार्य विषय बकाया है उन्हीं की परीक्षा देनी होगी। स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय तथा 3 प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं है। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइव स्टॉक एवं डेयरिंग, टेक्सटाइल, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं मनोविज्ञान। स्वयंपाठी पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्नातक कला वर्ग के स्वयंपाठी छात्र प्रायोगिक विषय का चयन करने पर आवेदन भरते समय उसी महाविद्यालय का चयन करें जहां यह विषय नियमित छात्रों हेतु उपलब्ध हो। उपर्युक्त तालिका में वर्णित परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षाओं की परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन आरंभ होने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश तथा स्नातकोत्तर हेतु दिशा निर्देश का अवलोकन करें। यहाँ पर दूरभाष नंबर दिए गए हैं, इन पर हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय समय है 9:00 से 6:00 तक। अब बात करेंगे हम जर्नल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म 2022 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। सामान्य दिशा निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम वेबसाइट, इन वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, विजिट करें। फॉर्म भरते समय समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। अधूरे भरे अथवा गलत
भरे फॉर्म स्वतः निरस्त समझे जाएंगे। फॉर्म में छात्र या छात्रा का नाम, पिता एवं माता का नाम, अक्षरतः वही हो जो उनकी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका में अंकित है। नाम के आगे श्री, श्रीमती अथवा कुमारी अंकित नहीं किया जाए। वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थी कियोस्क के ऑपरेटर को आवेदन भरते समय निम्नलिखित सावधानी रखने हेतु सूचित करें। स्वयं के स्तर पर आवेदन भरने की स्थिति में भी निम्नलिखित सावधानी स्वयं रखें। वेबसाइट पर बताए गए अनुसार चरणबद्ध तरीके से अपनी प्रविष्टियां भरें। जो छात्र जिस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात जो आवेदन पत्र खुलता है उसमें सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक भरें। जो आवेदन पत्र ई मित्र कियोस्क पर भरे गए हैं उनकी परीक्षा शुल्क का भुगतान ई मित्र कियोस्क के माध्यम से कर सकेंगे। भरे गए आवेदन पत्र के आधार पर एक पेमेंट इनवॉइस जनरेट होगी जिसमें कि भरी गई समस्त प्रविष्टियों का विवरण तथा परीक्षा शुल्क की गणना अंकित होगी। इस पेमेंट इनवॉइस की एक प्रति ई मित्र कियोस्क से प्राप्त करें, छाप लें। पेमेंट इनवॉइस में दर्शाई गई समस्त प्रविष्टियों की भली प्रकार से जांच कर ले। यदि कोई संशोधन हो तो पुनः नया आवेदन पत्र भरकर नई पेमेंट इनवॉइस जनरेट करें। पेमेंट इनवॉइस में भरी गई प्रविष्टियों से संतुष्ट होने के पश्चात ही भुगतान करें। एक बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात वह किसी भी स्तर पर लौटाया नहीं जाएगा। भुगतान करने के पश्चात टोकन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी तथा फॉर्म नंबर डालने के पश्चात फाइनल आवेदन पत्र दो प्रतियों में एक प्रति संबंधित महाविद्यालय परीक्षा केंद्र तथा दूसरी प्रति विश्वविद्यालय हेतु मुद्रित किया जा सकेगा। नियमित एवं पूर्व छात्र ऑनलाइन पद्धति से भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में संलग्नों के संबंधित महाविद्यालय में जमा कराएंगे। स्वयंपाठी छात्र ऑनलाइन पद्धति से भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र की दो प्रतियों में हार्ड कॉपी निकालने के बाद में संलग्नों के संबंधित महाविद्यालय में जांच एवं अग्रेषण हेतु जमा करवाएंगे। इसके पेटे अग्रेषण राशि ₹10 प्रति। स्वयंपाठी छात्रों को संबंधित महाविद्यालय में अलग से जमा करानी होगी। जो छात्र स्नातक प्रथम वर्ष अंडर ग्रेजुएट पार्ट फर्स्ट अथवा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध पीजी प्रीवियस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं उनको विश्वविद्यालय में पूर्व में नामांकन नहीं है, ऐसे छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही नामांकन आवेदन पत्र भी ऑनलाइन प्रिंट होगा। ऐसे छात्र नामांकन आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को भलीभांति जांचकर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ नामांकन आवेदन पत्र का भी प्रिंट प्राप्त करें। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, राजस्थान बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं वे अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक तालिका या डुप्लीकेट अंक तालिका जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई हो जमा करावें। राजस्थान बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी अपनी मूल अंक तालिका के साथ मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। अन्य सभी अभ्यर्थी अंक तालिका की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रति संलग्न करें। तो 11वां जो पॉइंट है इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अपना प्रवजन प्रमाण पत्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस विश्वविद्यालय से निकलवा लिया है
एवं अन्यत्र विश्वविद्यालय में जमा करवा दिया है। ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय का मूल प्रवचन प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस विश्वविद्यालय के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से जमा करावें। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन पत्र की संपूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरी जा चुकी है। यदि आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की प्रविष्टि जैसे परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गए अनिवार्य प्रश्न पत्रों के नाम, पूर्व की कक्षा में प्राप्त किए गए अंका विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक तथा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र जमा करें। आवेदन पत्र की फोटो प्रति पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें। परीक्षार्थी द्वारा आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा करवाया जाएगा, जिसमें से एक महाविद्यालय प्रति तथा दूसरी विश्वविद्यालय प्रति होगी। महाविद्यालय प्रति जो कि संबंधित महाविद्यालय अपने कार्यालय में संधारित करें तथा विश्वविद्यालय प्रति में संलग्नों की विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथियों तक भिजवाने की व्यवस्था करें। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क 70 रुपये, केवल नियमित के लिए एवं विकास शुल्क 50 रुपये, नियमित पूर्व एवं सेम पार्टी के लिए सम्मिलित करते हुए आवेदन पत्र में अलग से दर्शाया गया है। महाविद्यालय हेतु विकास शुल्क की राशि 50 रुपये संबंधित महाविद्यालय द्वारा ही प्राप्त की जानी है। विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के नियमित पूर्व छात्र एवं सेम पार्टी परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथियां अलग से विज्ञप्ति में प्रकाशित की गई हैं। जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर रखा है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए वर्तमान में पात्रता रखते हैं उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो उसके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र का पुनर्मूल्यांकन परिणाम अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा अलग से विश्वविद्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय अवधि के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों की सूची वेबसाइट पर आवेदन करते समय उपलब्ध रहेगी। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके परीक्षा प्रवेश पत्र पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी ने जिस महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाया है वहीं उसका परीक्षा केंद्र हो। बीए परीक्षा के परीक्षार्थियों द्वारा 3 साहित्य विषयों का चयन नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु समस्त जानकारियां जैसे दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं महाविद्यालयों संबंधी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी पूर्ण रूपेण भरे हुए परीक्षा फॉर्म की फीस के माध्यम से विज्ञप्ति में दर्शाई गई तिथि अनुसार जमा करावें। ऐसे छात्र जो परीक्षा आवेदन पत्र भरकर फीस का भुगतान करने के पश्चात निर्धारित तिथि में आवेदन पत्र को संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
जो परीक्षार्थी स्नातक बीए बीकॉम बीएससी स्तर पर श्रेणी सुधार, स्पष्ट किया गया है श्रेणी सुधार अध्यादेश 169 ई के तहत करना चाहते हैं तथा उनका कोई वैकल्पिक विषय प्रायोगिक हो तो उसे पुनः प्रायोगिक परीक्षा में प्रविष्ट होना अनिवार्य है। जो परीक्षार्थी परीक्षा स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य में स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र भर रहे हैं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे प्रायोगिक विषय के चयन करने वाले परीक्षार्थी केवल उसी परीक्षा केंद्र से परीक्षा आवेदन पत्र भरे जहां पर नियमित छात्रों के लिए वह विषय उपलब्ध है। विषय जो कि साथ नहीं लिए जा सकते, इसकी सूचियां दी गई हैं। सब्जेक्ट ऑफर्ड, सब्जेक्ट नॉट अलाउड टू बी कंबाइंड, तो इस सूची को हम अवलोकन कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र की एक प्रति जिस पर यूनिवर्सिटी कॉपी अंकित है प्रेषित की जानी है एवं इसके साथ केवल अर्हकारी कक्षा की अंक तालिकाओं की प्रति यथा तृतीय वर्ष हेतु प्रथम व द्वितीय वर्ष की उत्तीर्ण की एवं द्वितीय वर्ष हेतु प्रथम वर्ष की उत्तीर्ण अंक तालिकाओं की मात्र एक प्रति ही संलग्न की जानी है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फीस इनवॉइस, महाविद्यालय का परिचय पत्र इत्यादि किसी भी दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पॉइंट का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पीजी इंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम 2022 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्ट्रक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अपियर एट एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस फाइनल एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं जारी किए गए हैं। अपूर्ण जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकॉम्पनेंट विद द फॉलोइंग Prescribed fee as mentioned in the fee schedule, photocopy of certificates and mark sheet of the qualifying examination showing to have passed, duly attested by the principal of the college or head of the department concerned. Enrollment form and migration certificate if not already enrolled in this university. The fee schedule available on the university exam website is prescribed for the examination. तो application form के साथ में हमें निम्न जो दस्तावेज हैं वो लगाने होंगे। Enrollment, no candidate who is not enrolled in the university will be allowed to be appear at the any examination of the university. यानी ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा इनरोल्ड नहीं है, नामांकित नहीं है, उन्हें नामांकन जो शुल्क है वो भी जमा कराना होगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन ग्रेजुएशन डिग्री आर एलिजिबल टू अपियर एट द पोस्ट ग्रेजुएट प्रीवियस एग्जाम 2022। पेपर टू बी ऑफर्ड, तो यहाँ पेपर के संदर्भ में जानकारी दी गई है कौन कौन सी जो पेपर हैं विश्वविद्यालय द्वारा प्रीवियस में जो है विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है।
इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। सेंटर्स लिस्ट, एग्जामिनेशन डेट्स, विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही घोषित किया जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द बीकॉम डिग्री एग्जाम ऑफ द यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी शेल बी परमिटेड टू अपियर एट द एमकॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन इन एनी ग्रुप बट दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द बीए बीएससी डिग्री एग्जामिनेशन ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 48% मार्क इन द एग्रीगेट और एमए डिग्री इन इकोनॉमिक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी शेल बी एलिजिबल फॉर द एमकॉम एग्जामिनेशन इन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप ओनली एंड दे आर नॉट एलिजिबल टू अपेयर इन एमकॉम एबीएसटी ग्रुप एंड एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। तो इस 18 जो पॉइंट है इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एसटीएससी जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ विशेष जो छूट है आरक्षण का जो प्रावधान यहाँ किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBS वित्त HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।